ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार की एक विरासत है, विपक्ष और सरकार के बीच में ना मिटने वाली दूरियां। इस वक्त संसद में बवाल हो रहा है दोस्तों। कल रात भर, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सांसदों ने धरना दिया, क्योंकि एक के बाद एक, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। और जैसा कि आप इस खबर में देख सकते हैं, आज भी 3 और राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया, और एनडीटीवी की एक खबर बता रही है कि इसी के साथ 27 लोग अब तक निलंबित हो चुके हैं। मगर आज एक और बवाल हुआ दोस्तों। आज भारतीय जनता पार्टी उग्र थी कांग्रेस के खिलाफ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में उनके नेता भी हैं, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बताया। इसको लेकर उन्होंने माफी भी मांगी। सोनिया गांधी ने माफी भी मांगी। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वो इस मुद्दे को लेकर बहुत उग्र हो गई हैं। निर्मला सीतारमन तो बाकायदा कई महिला सांसदों के साथ खड़े होकर इसका विरोध कर रही हैं, बैनर्स के साथ संसद के अंदर। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मुद्दे पर क्या कहा स्मृति ईरानी ने आपके स्क्रीन्स पर। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान बचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, स्मृति ईरानी जिस तरह से संसद के अंदर बुरी तरह से फट पड़ी, उसके बाद हुआ ये कि संसद के अंदर जब सोनिया गांधी जो हैं भाजपा की एक सांसद के पास गई बातचीत करने, तो उस वक्त स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में तू तू मैं हो गई। क्या कह रही हैं कांग्रेस की एक सांसद, आप खुद सुनिए। लोकतंत्र के मंदिर में किस तरह की घटनाएं, शायद हम लोग पहली बार देख रहे हैं। हमारी सम्माननीय नेता सोनिया जी, जब हम लोग हाउस ही खत्म हो गया, सदन हो गया, हम लोग निकल रहे थे, उस समय वहाँ से कुछ ऐसी बातें आई कि वो अपना मुड़ के देखती हैं, क्योंकि महिलाएं थी इसलिए वो मैडम कुछ अपने शांतिपूर्वक बात करना चाहती थी। तो उसी समय हम लोग भी पीछे से गए, तो स्मृति ईरानी जी तुरंत आ गई और उनको उंगली दिखा दिखा के ऐसे शब्द कहे गए जो सम्मान में गलत कहे गए, उनका अनादर किया गया। शर्मनाक चीज़ है, एक जनप्रतिनिधि हमारी वो नेता हैं और उम्र में बड़ी हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी हैं, सम्मान के योग्य हैं, उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करना, हम लोगों को बहुत खेद लग रहा, दुख लग रहा है कि एक महिला होने के नाते, एक महिला के लिए कैसे कहा जाए। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं का यह आरोप है कि स्मृति ईरानी ने उनके साथ बदतमीजी की है। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन क्या स्पीकर इसकी निंदा करेंगे? क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए होते हैं? जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख हैं, जी हां, ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी के अंदर कांग्रेस को लेकर रोष जो है वो पिछले
चार पांच दिनों से चला आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि उनकी बेटी जो है, कि बेटी का एक रेस्टोरेंट और बार है, और उस बार को लेकर एक विवाद हुआ था। स्मृति ईरानी सामने आई थी, बहुत कुछ ऐसी बातें कही थी जो तथ्यों से भी दूर थी, और आज स्मृति ईरानी एक तरह से आग बबूला हो गई। क्या वो बात इस कदर आगे बढ़ गई कि सोनिया गांधी के साथ भी उनकी तूतू मैं हो गई? बहरहाल जो हो रहा है दोस्तों वो अप्रत्याशित हो रहा है। अब सोनिया गांधी इस मुद्दे पर सामने आती हैं और कहती हैं कि इस मुद्दे को लेकर अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। सुनिए सोनिया गांधी क्या कह रही हैं। इस मुद्दे को लेकर बवाल बहुत ज्यादा हो रहा है दोस्तों, मगर मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से। आप खुद महिला हैं, क्या ये कह लेने से बात खत्म हो जाती है कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है? बताइए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का एक इतिहास रहा है। मैं समझ सकता हूं कि उन्हें हिंदी सलीके से समझ नहीं आती, मगर एक व्यक्ति जो एक लोकसभा सांसद है, क्या उसकी जुबान इतनी आसानी से फिसल जाती है कि वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहे? मैं चाहूंगा कि अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर माफी कैसे मांगी, आप ये सुने। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार पर लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल चुके हैं, और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसाला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के, सिंपली द इशू इज ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। बाय डिफॉल्ट ओनली वंस द वर्ड हैड बीन अटर्ड यस्टरडे, ओनली वंस, बिकॉज यस्टरडे आई हैव गिवन नंबर ऑफ answers to the media people, nowhere, never I had uttered this word, but for once, and for once, and for once, and that was also by default. I don't have any remote intention to humiliate the highest chair of our country, whosoever may be at the chair of Rashtrapati ji. दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं वो इस मुद्दे पर खासी उग्र दिखाई दे रही हैं। आपकी स्क्रीन्स पर ANI की एक खबर, हम इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम देश के तौर पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम औरतों के तौर पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो ये एक आदिवासी महिला का अपमान कर रहे हैं जो एक राष्ट्रपति भी हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं रमा देवी, उन्होंने ये बयान दिया है। अब इस मुद्दे पर अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं कि मुद्दों को भटकाने के लिए इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। मैं अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के या विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर जब महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेरा जा रहा है और उनकी दबंगई, जिस तरह से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, वो तमाम चीजें सामने उभर कर आ रही हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं कि विपक्ष के नेता मोदी सरकार को फुल टॉस और लॉलीपॉप क्यों दे देते हैं? क्यों आप उन्हें बचने का मौका क्यों देते हैं? यह तस्वीर अपने आप में अप्रत्याशित है। एक एक करके तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों, आप देखिए, कल रात से धरने पर बैठे हुए राज्यसभा और लोकसभा के सांसद जिन्हें निलंबित किया गया, और इनमें तमाम पार्टियों के नेता हैं। जी हां, आज सुबह तक इनका धरना जारी रहा। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा दोस्तों कांग्रेस ने कैसे मोदी सरकार के खिलाफ उसकी कथित तानाशाही पर आरोप और नारे लगाए। सुनिए, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, दूध दही पे चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, सदन में सस्पेंशन एमपी को वापस लो, वापस लो, वापस लो। विपक्ष
विपक्ष जाहिर सी बात है दोस्तों इस मुद्दे पर खासा उग्र हो रहा है, और अब उग्र ऐसे हो रहा है कि दोनों के बीच किसी भी तरह की समझौते की गुंजाइश लगातार खत्म होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर मौजूद नहीं होते, यह अपने आप में कितनी अजीबोगरीब बात है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप वहां से गायब हैं। विपक्ष के नेता डेरेक ओब्रायन और जयराम रमेश इस पर क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। क्वेश्चन, व्हाट वर द ऑपोजिशन एमपीज डिमांडिंग, सवाल, विपक्ष के सांसद क्या मांग कर रहे थे। आंसर, अ डिस्कशन ऑन प्राइस राइज, जीएसटी हर्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल। जवाब, हम महंगाई पर चर्चा करना चाहते थे, जीएसटी पर चर्चा करना चाहते थे जिससे कई लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, देश की जनता को नुकसान पहुंच रहा है। और सरकार उसके जवाब में क्या करती है, एक्शन, डिक्टेटोरियल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सस्पेंस 24 एमपीज फ्रॉम पार्लियामेंट, नेक्स्ट फ्यू डेज 24/7 धरना एट गांधी स्टैच्यू, पीसफुल सत्याग्रह विल ऑलवेज विन। इसके जवाब में मोदी सरकार क्या कहती है, 24 विधायकों को निलंबित कर देती है, और जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया 3 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया, और हो सकता है कि जब तक ये कार्यक्रम आपके सामने आए और भी कई सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि इस देश के अंदर सत्याग्रह हमेशा जीतता है और इसकी हार का सामना करना पड़ता है। मगर मैंने कहा ना, ऐसे मौके पर जब आप सरकार को घेर रहे हैं, कांग्रेस के नेता इस तरह की फुलटॉस क्यों देते हैं, इस तरह की लॉलीपॉप क्यों दे देते हैं, बचने के मौके क्यों दे देते हैं मोदी सरकार को। और मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये दोहरे मापदंड क्यों, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं परेश रावल ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने बार गर्ल शब्द का इस्तेमाल किया था, नहायत ही शर्मनाक बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जब वो विपक्ष में थे, यानी कि जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काओ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था कांग्रेस की महिला सांसदों के बारे में, कांग्रेस की नेताओं के बारे में, तब आपने कितना बवाल किया था। मैं ये समझना चाहता हूं कि आपने तो राष्ट्रपति के ऊपर ये टिप्पणी की, आप ये कहते रहिए कि मेरी जुबान फिसल गई, मगर आपकी जुबान बार बार क्यों फिसलती है महोदय, बड़ा सवाल ये। और दुख की बात यह दोस्तों कि ये जो दूरियां बन रही हैं इसे पाटने में कोई कदम नहीं उठाने वाला है, ये कदम उठाना चाहिए कायदे से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे और बढ़ावा दे रहे हैं, संसद में खुद नहीं आ रहे हैं। और फिर जैसे कि मैंने आपको कल अपने कार्यक्रम में बतलाया था, देश के सामने रैलीज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि साहब एक पार्टी का विरोध और व्यक्ति का विरोध देश विरोध ना हो जाए, यानी कि लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल उठा रहे हैं उसे आप देश विरोध के साथ जोड़कर देख रहे हैं, जो अपने आप में कितनी अजीबोगरीब बात है। संसद में जिस तरह का गतिरोध चल रहा है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि 14वीं 15वीं और 16वीं लोकसभा का रिकॉर्ड खराब होगा, मगर उन तमाम लोकसभाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस लोकसभा ने अपने पहले 2.5 सालों में, पहले 2.5 सालों में दोस्तों यह हालत हो गई है। और मैं समझना चाहता हूं लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति से, आप जब तमाम विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर देंगे तो फिर संसद के अंदर क्या बचेगा। मैं बात समझता हूं कि संसद के अंदर तमाम बिलों को पारित किया जा रहा है बगैर चर्चा के, और जाहिर सी बात है जब बगैर चर्चा के किया जा रहा है तो आपको विपक्ष के सांसदों की जरूरत नहीं है। मगर फिर ऐसे में दोनों से मैं बहुत ही सम्मान से पूछना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का ढकोसला क्यों, ये संसदीय मर्यादा का छलावा क्यों, और ऐसा कब तक चलता रहेगा। किसी ना किसी को तो इस डोर को हाथ में लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ताकि ये गतिरोध खत्म हो। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा के कोई मायने नहीं रह जाएंगे और ये इस देश के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। बहरहाल इस मंच पर हम आपके सामने लगातार ये मुद्दे लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।